जी नमस्कार, मैं हूं ऋषि सरमानी और आप देख रहे हैं डीएनएच टीवी चैनल। स्वागत है आप सभी का विधायक संबोधन कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अभनपुर क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू जी। साहू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर लेंगे, तो प्रश्न की कड़ी प्रारंभ करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि कोरोना से जंग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना की जो स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों की तुलना में यदि हम लोग देखें तो बेहतर प्रबंधन हमारी कांग्रेस की सरकार का रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा, कि जिसके कारण आज एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ आज अत्यंत कम संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। अभी अभी जो मजदूर जो लौट के आ रहे हैं या कुछ जमाती लोग छोड़ दें तो नहीं के बराबर यहाँ पर संख्या थी, और ये सरकार के कुशल प्रबंधन का यह एक नतीजा मिला कि समय से ही पूरी तरह से सारे एहतियात बरते गए। लॉकडाउन की स्थिति में भी पूरी तरह से पूरा सरकार और प्रशासन ने दोनों ने मिल करके बेहतर व्यवस्था किया, और उसका परिणाम हमारे इस प्रदेश की जनता ने उसमें सहयोग भी दिया और उसका परिणाम आज सबके सामने में है। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत सराहना करते हैं। आपके क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव कितना है? ईश्वर की कृपा है और यहाँ की जनता का जागरूकता और हमारी सरकार के कुशल प्रबंधन का परिणाम है कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। हम लोग यहाँ भी पूरी तरह से जागरूकता लोगों तक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और लोगों को काफी अधिक अवेयरनेस लाने के लिए हर स्तर पर काम किया गया, गांव में शहर में सभी तरफ काम किया गया। आज उसका नतीजा हम लोगों को मिला है कि हमारे क्षेत्र में आज एक भी संक्रमित नहीं हो सका है। जितने भी एहतियात के निर्देश स्वास्थ्य विभाग और शासन ने दिए उन सारे एहतियात यहाँ पर कराया गया और उसका एक अच्छा बेहतर परिणाम मिला गया है। अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनको बाहर ठहराने की व्यवस्था हर गांव में कर ली गई है, और जो भी बड़ी संख्या में यहाँ भी मजदूर लोग बाहर गए थे लौट रहे हैं, उनको अलग पंचायत भवन या स्कूल भवन वगैरह में उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के काफ़ी अधिक संतुष्टि होती है कि क्षेत्र में अभी तक एक भी कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं हुआ है, और ये सरकार की हमारे कुशल प्रबंधन का परिणाम है, और साथ ही हमारे यहाँ पर स्थानीय शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का एक संयुक्त प्रयास रहा, और उसका ही परिणाम है कि यहाँ पर सामाजिक जागरूकता जिस तरह से हम लोगों ने शहर से लेकर गांव तक करने के लिए हमारे पूरा शासन प्रशासन और हमारे राजनीतिक संगठन सभी के माध्यम से हम लोगों ने किया, उसका परिणाम मिला है। मैंने स्वयं पूरे लगातार हमारे जो नगरीय क्षेत्र है उसका भी लगातार दौरा करके संपर्क में रहा, लोगों को मदद भी यहाँ सब विभिन्न संगठनों के सहयोग से हम लोगों ने किया। सीएम रिलीफ फंड में भी यहाँ से काफ़ी अधिक लोगों की सहायता दी गई, यहाँ स्थानीय स्तर पर भी दिया गया। मैंने भी स्वयं पूरे अपने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का दौरा किया, वहाँ लोगों को लगभग 50,000 के आसपास मास्क का वितरण हमने स्वयं निर्माण करवा करके वितरण किया। हर गांव में मनरेगा का कार्य जो है प्रारंभ हो सके इसके लिए पूरी ताकत झोंक दिया था, और आज मुझे ये बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि लगभग 40,000 की संख्या में आज मेरे क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रदेश में काफ़ी जो स्थिति आकलन करें काफ़ी स्थिति है,
वैसे जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बनवाने का काम किया और सारे एहतियात के कार्य जो है हम लोगों ने अपने विधान सभा क्षेत्र में पूरा किया है। केंद्र सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, हमारा देश के संविधान ये कहता है कि केंद्र की सरकार सभी राज्य सरकारों को समान रूप से महत्व दे और जो हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जो छोटे राज्य हैं और नवगठित राज्य हैं यहाँ पर और भी काफ़ी अधिक आर्थिक संसाधन मुहैया कराए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और यही अपेक्षा है। आज अभी कोरोना की महामारी के संकट में तो हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ के मजदूरों को, श्रमिकों को, जो लोग बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से हमारे पलायन करके पूरे देश के सारे प्रांतों में फैल जाते थे, उनको मनरेगा में और भी अधिक यहाँ पर काम में हम लोग उनको समाहित करें। मनरेगा ही नहीं, अन्य और भी योजना जो साल भर चलने वाली योजना है, मजदूरी मूलक योजना है, वो साल भर हमारी यहाँ पर चलना चाहिए छत्तीसगढ़ में, ताकि उनको हम लोग रोजगार उपलब्ध लगातार करा सकें। इसके लिए पर्याप्त धनराशि केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार को दे। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार मांग कर रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांग रहे हैं, ये हम लोग भी उस मांग को दोहराते हैं कि केंद्र सरकार विशेष पैकेज के तहत 30,000 करोड़ रुपए की पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को करे, ताकि यहाँ जो गरीब और किसान मजदूर लोग रहते हैं उनकी माली हालत को ठीक किया जा सके। नायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, हम क्या बताएं, आपका कोई प्रश्न हो हमारे विषय में तो बताइए, हम लोगों का तो जीवन खुली किताब है। आज मेरे क्षेत्र की जनता के विशेष आशीर्वाद और उनके विश्वास और कृपा के अनुरूप आज लगातार आज पांचवी बार क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है। ये मेरे क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी मुझ पर विश्वास है और उनके विश्वास पर हर संभव खरा उतरने के लिए हम दिन रात लगातार हम जनता के बीच में हैं, जनता के लिए है और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण अपनी सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से निरंतर करने के लिए आज लगातार हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर गरीब से गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उन तक भी हमारी सरकार की योजना पहुँचे, हमारा सहयोग उन तक पहुँचे, ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों को हम संतुष्ट कर सकें, अधिक से अधिक लोगों के हम काम आ सकें। ये इसी भावना के तहत आज जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है उन तक पहुंचकर उन तक अपनी सेवाएं देने के लिए बहुत सब प्रयास करते रहा हूँ।